हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। लगभग कितना बज रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, लगभग 5:46। बदल भी काफ़ी मतलब क्लियर स्काई है, ज़्यादा देख रहे हो पोल्यूशन ऐसा नाम नहीं दिख रहा कि पोल्यूशन है, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत है भाई। ये पूरा जो लाइन देख रहे हो आप लोग, ये कुलाबा कॉजवे है, यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम एंड तक बहुत दूर तक देख रहे हो, वहाँ तक वहाँ से भी चालू होता है, वहाँ पे भी है। वैसे एक लंबा स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर, हाँ लगभग 1 किलोमीटर होगा पूरा लंबा स्ट्रेच। मरीन ड्राइव पे भीड़ देखना गाइस, ये देखो आज कौन सा दिन है, मंडे, कितना ज़्यादा भीड़ है देख रहे हो गाइस, मज़ा ही मज़ा। तो गाइस देखो हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, लापरवाह और गुमशुदा सब बोल लो इसको, वो आदमी है ठीक है। अभी हमको ये घुमाने लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं, कहाँ लेके जा रहा है भाई, चलो तो पता हाँ। चलेगा कहाँ जा रहे हैं। चलो इसका बाल देख रहे हो, ये ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा था पहले तो देख रहे हो, हम जुड़ चुके हैं ट्रैवलर भाई के साथ। अब बस करो, बस के ऊपर गाड़ी चलाओ, हेलमेट पहनो, हेलमेट नहीं पहनोगे तो सीधा साले मैं खुद ही पुलिस थाने में लेके चला जाऊंगा। पुलिस हमारा है भाई, नहीं पुलिस पुलिस नहीं, सीधे पुलिस थाने में ही लेके चलूंगा तुझे। तो अभी गाइस आप लोगों को मुंबई का नाइट लाइफ भी दिखाना जरूरी है कि नहीं, तो थोड़ा सा दिखाएंगे भाई क्या जिंदगी में कैसा होता है। अभी दोपहर को तो मैंने दिखाया आपको कि कैसा माहौल है, मतलब माइंड ड्राइव का। अभी देखते हैं कैसा माहौल है, आज मंडे है तो मंडे को देखते हैं क्या होता है। सिग्नल लग गया भाई, रुक जाना है यहाँ पे, देख रहे हो सब अभी परिवार लेके जा रहे हैं, माइंड ड्राइव पे बैठेंगे एकदम मस्त ठीक है, यही लाइफ है। और हम लोग जा रहे, देख रहे कॉफ़ी मिलता है कि नहीं, मैं पीछे को अपना एक नया जगह बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे कॉफ़ी का दुकान खुला रहा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई ठीक है, क्योंकि उधर कॉफ़ी का टेस्ट है ना भाई, अच्छे अच्छे होटल का मतलब तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का फेल है, और मतलब स्टारबक्स फेल है, थर्ड वेव कॉफ़ी फेल है, यहाँ पे ले लो थर्ड वेव कॉफ़ी फेल है, तो समझ सकते हो किस नेक्स्ट लेवल का बात कर रहा हूँ मैं ठीक है। पैसे मतलब पैसे के हिसाब से महंगा नहीं है ज़्यादा, नहीं तो स्टारबक्स में जाओगे 300-400 का कॉफ़ी आता है, थर्ड वेव में भी उतने का ही आता है, लेकिन वहाँ पर 100 रुपये का, 150 रुपये का, बताता हूँ आपको कौन सी जगह भाई, ये लोग रईस लोग हैं, हम तो थर्ड वेव स्टारबक्स देखेंगे। अभी गाइस देखो हम लोग पहुंच चुके हैं, माइक चालू है कि नहीं, हाँ अभी हम गाइस पहुंच चुके हैं वीटी की तरफ। देखो इतना सुनसान रास्ता है, ज़्यादा कोई है नहीं, अभी कुछ लगभग कितना बज रहा है भाई, 12 बज रहे हैं, नहीं 11:30, एक सेकंड, अभी लगभग मतलब 11:45 हो रहा है ठीक है, 11:45 को आज सुनसान है, क्यों? क्योंकि चालू दिन है, संडे के बाद मंडे को इतना खाली रहता ही है, तो ये टाइम पर घूमने का रहता है ठीक है, यही टाइम पे ज़्यादा खाली मिलेगा आपको। ये आज़ाद मैदान आप लोग बहुत यहाँ पे खेलते थे पहले ठीक है, यहाँ पे अपना स्कूल का स्पोर्ट्स डे भी होता था देख रहे हो, बहुत मज़ा आता, अभी तो खाली रैली के लिए यूज़ होता है, अभी खाली प्रोटेस्ट के लिए खाली यूज़ होता है, पता नहीं कौन से प्रकार का प्रोटेस्ट होता है यहाँ पर, छोटे मोटे होते हैं फिर एक दिन में चेंज हो जाते हैं ठीक है। अब हम वीटी की तरफ पढ़ रहे हैं, वीटी देखो अपने सामने दिख रहा है, वीटी का नज़ारा देखो, अलग ही अलग लाइट जलता रहता है एकदम झरना के दार, क्या खूबसूरत लग रहा है ना। ये है फिर यहाँ पे BMC ऑफिस है अपना, और जो बोलते हो ना सब लोग एशिया लार्जेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी, इधर ही है भाई देखो। अभी विजय को गाड़ी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको गैप भी निकालना आता नहीं, गैप मतलब कटिंग वटिंग नहीं, लेकिन आता नहीं भाई। ये आ गया हमारा विवेक, यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पियेंगे आज। ये देखो गाइस, ये विवेक प्राइस देख लो खाली, ये गाइस देखो कॉफ़ी वॉफी का पीछे तो अलग ही था। ये गाइस हमारा आ गया है, कांड कर दिया है, हमारा आ चुका है क्लासिक हॉट चॉकलेट, ये हेजलनट, अब पी के बताएंगे वेजी। आइए चेयर्स कर रहे हैं, चीयर्स, यस बताइए कैसे है? मुझे मसूरी की याद आ गई, क्या बात है, लगा विजय बहुत बेस्ट, सही था भाई, तूने गिरा के बहुत गलती किया ठीक है, गिर गया मेरा आधा, इसने गिरा दिया समझ रहे हो ना, आधा पूरा गिरा दिया ठीक है, और यहाँ पे बर्बाद कर दिया, अब मुझे टिश्यू से पहना पड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा तो ये पिलाएगा मुझे ठीक है। तो गाइस काफ़ी अच्छा कॉफ़ी, काफ़ी अच्छा मतलब कॉफ़ी नहीं था, हॉट चॉकलेट था, मज़ा आ गया कि नहीं भाई, बहुत मज़ा आ गया। थोड़ा मेरे को ना ये, मैं गाड़ी चलाता था ये पीछे बैठता था, आज ये चला रहा है तो पूछता हूँ उसको कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है? अरे भाई बहुत बढ़िया,
आपको याद है आपको? लेकिन ये इधर ही मतलब थोड़ा अपने मुंबई में चला रहा है, अगर इसको मैं लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग राइड पे दे दूँ ना इसे, इसकी मतलब समझ रहे ना गेम बच जाएगी इसे चलाते चलाते। मुंबई के राइडर वाइडर कुछ नहीं है भाई, इसको हाईवे पे दे दूँ ना, यहाँ पे कट नहीं मार पाता। देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से गैप नहीं निकल पाता है, इसको सिखाना पड़ेगा अभी पूरा, क्योंकि यहाँ ड्राइवर रखा है। अच्छा ड्राइवर रखा है, बाइक के लिए भी इसने ड्राइवर रखा है, वाह बहुत बहुत प्रगति कर रहे हो भाई तुम। ये देखो गाइस पूरा आरबीआई यहाँ पर पैसा छपता नहीं है, यहाँ पर पैसा छपने का मशीन अलग है, अलग जगह पे है, ठीक है। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस एशियाटिक लाइब्रेरी, आगे वाला दिखाता हूँ आपको। देखो पब्लिक अभी तक बैठी है, पता नहीं हवा हवा लेने है क्या करना है पता नहीं। देखो इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, लगभग 12:30 बज रहा है लेकिन पब्लिक यहाँ पर है। यहाँ पर शूट बहुत सारे हुए हैं कबीर सिंह के, यहाँ पर ये गार्डन में हुए पीछे वाले। और यहाँ पर शूटिंग वूटिंग अलाउ नहीं है, ड्रोन तो यहाँ पे कतई अलाउ नहीं है भाई, ड्रोन उड़ाओगे तो सीधा अंदर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्कैनर वैनर भी लगा है। स्कैनर मतलब रडार सिस्टम में आप आ जाओगे तो ध्यान से, अब यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे उड़ाना ही नहीं है, जानकारी जनहित में जारी, ठीक है। अब सब देखो बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन एक जगह खुला रहता है बड़े मियाँ और आगे की जगह। बड़े मियाँ तो अभी ऑलमोस्ट कोई जाता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा बवाल में आ गया था इसकी वजह से। अब वहाँ के मतलब लोकेलिटी पूरे चालू रहती है कि खाने पीने का जगह है ना वहाँ पे, इसीलिए। और अभी देखो ये ऐसा कुछ नज़ारा है, तो ज़्यादा कोई मुंबई का व्लॉग बनाता नहीं है और मुंबई के रहने वाले ज़्यादा व्लॉग बनाते नहीं हैं। देखो लेटेस्ट और एकदम मज़ेदार आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा नज़ारा होता है भाई। आप घर से बैठे बैठे देखो, ठीक है। हाँ गेटवे से ले लो, गेटवे से देख के बोले सिग्नल है ना भाई, नहीं यहाँ पे देखो सिग्नल पे देख के चलना पड़ता है। हाँ जो सिग्नल है अपने, जैसे यहाँ पे अंकल लोग खड़े होते हैं, अंकल लोग समझ रहे हो ना कौन होता है। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस भी अपना पुलिस का। आप देखो हम गेटवे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो सुबह देखोगे ना गेटवे मतलब सुबह से लेके शाम तक भाई ऐसा कचड़े जैसा भीड़ होता है ना पूछो मत, नेक्स्ट लेवल। हम लोग तो कभी आते ही नहीं है वो टाइम पे, खाली आते हैं तो बाइक से निकल जाते भाई। अब देखो गाइस क्या नज़ारा है ना, आपको है ही नहीं तो क्या नज़ारा आएगा ही, क्योंकि नहीं तो इतनी पब्लिक रहती है ना, इतना हलचल होता है ना तो पूछो मत भाई, पब्लिक कहाँ से आ जाती है इतना समझ नहीं आता। लेकिन ठीक है भाई, यही सब तो अपना इंडिया का कल्चर है भाई, टूरिज़्म बढ़ाओ और बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, इंडिया का टूरिज़्म बढ़ाओ। बार बार मत जाओ, इंडिया में आओ और घूमो, ठीक है। बाहर वाले को भी बुलाओ अपने यहाँ पर, देखो। अब देखो गाइस क्या मस्त है ना, यहाँ पर देखो अपना ताजमहल पैलेस, ठीक है। एकदम रॉ फुटेज है, पब्लिक देख रहे हो अभी भी है, गाड़ी लगा के एकदम खड़ी है भाई, सुकून मिलता है। अब पहले ऐसा देखो यहाँ पे जो बोट है ना, जैसे बाहर गाँव में जैसे मतलब फॉरेन में जैसा होता है ना वैसा बोट है यहाँ पर, ठीक है। याट क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, मुँह पे आ रहा नहीं है, ठीक है, वैसा टाइप है। बहुत फेमस फेमस यहाँ पर होटल्स भी हैं। अब देखो गाइस मुंबई की ये खास बात मुझे क्या लगती है भाई, लाइटिंग है। दिल्ली के ऐसा हमको ऐसे कि जब बंदा बंदा नहीं लगता कि भाई इधर बंदे अंधेरा है, यही मेरे को खास बात लगती है अपनी मुंबई की, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पहाड़ी चाड़ी चालू है, रेडियो क्लब है ना यहाँ पर, तो पब्लिक पहाड़ी चाड़ी कर रही है। ये देखो गाइस अपना है मेन कुलाबा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे सब बोलते हैं ना कुलाबा कुलाबा कुलाबा, तो ये है अपना कुलाबा मार्केट, ठीक है। देख लो अभी कुछ नहीं है, सब बंद है, सब बंद हो गया। विजय जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आई एंड आई अप्रिशिएट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू अराउंड, सी यू अराउंड। तो अभी देखो गाइस थोड़ा बहुत उससे व्लॉग करूंगा, क्योंकि कितने दिनों से चलाया नहीं ना इसको, चला के दिखाता हूँ ये नाइट परफॉर्मेंस इसका कैसा है। मेरे को बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं इंस्टा 360 के बनाने, प्लस DJI जो अपना ड्रोन है उसका ही बनाना है, उसका ही बनाता हूँ मैं, कुछ समय बाद बना दूंगा, क्योंकि दिन में बनाना पड़ेगा, रात को तो इतना क्लियर दिखेगा नहीं, तो इसलिए सोच रहा हूँ दिन में बनाऊंगा एकदम फुर्सत से, थोड़ा बहुत डिटेल में बनाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। अभी चलो इसको शिफ्ट करते हैं 1, 2, 3, अब मैं इससे ब्लॉग भी कर रहा हूँ, ऐसा ब्लॉग करूँगा। अभी लाइट के अपोजिट हूँ, अब देखो ब्लॉग करके मज़ा भी आता है इससे। अब पता नहीं माइक का क्वालिटी कैसा है, माइक का क्वालिटी कैसा है आप बताना ज़रूर। बस देखो अब इन लोगों को डराता हूँ वापस, मार दिए। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को,
ये देखो, ये सब सामान देख रहे हो, यहाँ वाला रुको, ये सब पार्ट अपना गाड़ी का चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, मतलब हो सकेगा तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो में खाली आपको थोड़ा बहुत झलक दिखाया रात को क्या हो सकता है मुंबई में और कहाँ कहाँ, मतलब साउथ बॉम्बे की थोड़ा झलक दिखाया आपको। तो ये वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, छोटा सिंपल सा ब्लॉग था। कैसे इंश्योरेंस को फ़ायदे में लेना चाहिए ये भी आपको मैं बताऊँगा, और इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए ये भी आपको बताऊँगा मैं। तो ठीक है, ये वीडियो को मैं समाप्त करते हैं, जरूर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। साइनिंग ऑफ।